तो आइए नाज़रीन, आज का हम पहला सवाल लेते हैं जो हमारे पास वीडियो की शक्ल में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मजीबुर रहमान है। मेरे दोस्त के पास एक जमीन है, क्या वो बैंक वाले को जमीन भाड़े पे देना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? नाज़रीन, ये हमारे भाई मुजीब रहमान थे जिन्होंने सवाल ये पूछा है कि इनके भाई के पास एक ज़मीन है जो वो बैंक को देना चाहते हैं किराए पर, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ये सूदी कारोबार पर और सूद पर मुश्तमिल होता है और सूदी मामले में किसी तरह का भी कोई ताउन नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में सूद हराम है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अल्लाह से जंग करने से ताबीर किया है कि सूद कितना ख़तरनाक गुनाह है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसकी बड़ी मजम्मत बयान की है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यह भी कहा है कि तआवनु अलल बिर्र व तक्वा वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान, कि जो नेकी के काम हैं, तकवा के काम हैं, उसमें एक दूसरे की मदद करो, लेकिन जो गुनाह के काम हैं, सरकशी के काम हैं, उसमें आपस में एक दूसरे की मदद मत करो। तो अगर आप ज़मीन देंगे बैंक को किराए पर, तो सूदी सिस्टम में एक तरह से आपका ताउन होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि भाई को तसल्लीबख्श जवाब मिल गया होगा।